आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। एक बार कैमरा साफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ क्या सीन है। तो भाई आज मतलब दिखाने को मिला ही नहीं कुछ मेरे को, एंड आज दीदी आ रखी है तो दीदी से मिलवा लेता हूँ, एंड उसके अलावा ये रिपब भी साथ में। और आज का दिन भाई मेरे लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है, इतना बड़ा खुशी का दिन है, एंड द रीजन बिहाइंड कि भाई नीचे बैठ जाए, सीट डाउन हो जाए, तू सीट डाउन हो जा, क्या चाहिए तेरे को देखना। तो भाई रीज़न बताऊँ क्यों, पहली क्लिप आपने देख ली होगी उसमें भाई वो दिन की क्लिप है, व्लॉग में स्टार्ट कर नहीं पाया क्योंकि बिजी था सुबह से, एंड काफ़ी सारे काम भी थे तो आपको पता है आजकल दिन कैसे निकल रहे हैं। एंड अभी आया था घर पे दुकान भरा के, तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन रेस्ट करने को मिला नहीं क्योंकि दीदी आ रखी है, तो दीदी साथ बात करनी जरूरी थी, बैठना जरूरी था, मिलना जरूरी था, कुछ खाना जरूरी था, पीना जरूरी था, तो इसी वजह से बैठे थे। एंड इसको देख लो भाई, छोड़ दे ये, इसकी सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसका, इसको काटना नहीं आता, कितना भोकले बंदे इसके ना लुक से ही देख के डर जाते हैं। एंड भाई ये बेचारी इतनी सीधी है ना, इसको काटना तक नहीं आता, आती है खेलती है और ये सब, तो बड़ी क्यूट है इस मामले में। एंड भाई क्यों है बेस्ट पार्ट आज दिन का, बेस्ट दिन क्यों है, मेरे चैनल पे रोहन और मेरे चैनल पे 1.6 लैक्स व्यू आए भाई, एक शॉर्ट पे 1.6 लैक, बॉयज सोच रहे हो टोटल व्यूज 2,70,000 भाई, मतलब क्या बताऊं ऐसे, मेरे जो है देख 2,100 आवर्स का मेरा वॉच आवर है यार, तो रुक ही नहीं रही है, देखना बनाने देना यार क्लिप अभी। 1.5 लाख व्यूज एक शॉट पे, ओ शिट। एक और चीज, YouTube स्टूडियो में वाइट स्टूडियो में तुम्हारे भाई का मोनिटाइजेशन का पार्ट शुरू हो चुका और उसमें मेरा दिखाने लग गया कि इतना रह गया। एंड जल्द ही बॉयज अपना भी चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है भाई, इतनी ज़्यादा मतलब अनएक्सप्लेनेबल है। और जितनी भी मैं चीज़ें आपके अब खुद सीख रहा हूँ, आपके साथ साथ सीख रहा हूँ और आपको सब कुछ बताऊँगा, तो जो जो चीज़ आया करेगी ना, हर एक चीज़ बताऊँगा, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है मैं वो आपको भी बता दूँ। और एक और चीज़ बताना भाई लोग, अगर मेरा व्लॉग 10-12 मिनट से ऊपर बने, जैसे 20 मिनट का भी बने, तो मेरे को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, बिकॉज वो इसलिए बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं उस व्लॉग में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन अगर हटा दूंगा तो व्लॉग 10 मिनट का बनेगा, तो उसमें कुछ बचेगा नहीं यार, क्या नहीं मानेगी तू है। हाँ वेरी गुड, ऐसे रेस्टे, ये कह रहे मेरे साथ खेल, तो भाई टाइम नहीं लग रहा, तो एक क्लिप बना लो फिर इसके साथ थोड़ा सा खेल लूँगा, एंड अंदर सोनी दीदी को और मम्मी को भी दिखाता, तो मैंने ये चीज़ मम्मी और दीदी को बताई तो इतने खुश हुए और उन्होंने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी कि हाँ जल्दी भाई अपना ग्रो कर रहा, खुद फेमस हो और हमें भी फेमस करवा अपने व्लॉग्स में, तो अगर मैं भी फेमस होऊंगा तो आप सब भी फेमस होगे जो मेरे साथ रहते हो, हर एक को दिखाऊंगा जो जो भाई आज तक मेरा सपोर्ट देता है, जैसे वंशुल भाई हो गया, अपना रोहन भाई हो गया, विषय भाई हो गया, लक्की भाई हो गया, तो जो जो मेरे व्लॉग्स में आते ना समझ जाओ कि भाई ये ना मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है। एंड दीदी और सोनी को दिखा देता हूँ, सोनी दीदी और ये रही मम्मी कह रही है मेरे को मत लियो, ऐसे ही पड़ी है। एंड भाई मैं अभी जाऊँगा, नरेला की काम है, और ये भाई अभी भी नहीं रुक रही क्या बताऊँ भाई इसका, तो फटाफट से एक बार हाथ धो लेता हूँ और इसकी पिट्टी करूँगा अगर इसने उल्टे काम करे तो, नहीं तो समझ जाओ बस। एंड अभी आता है रोहन और विषय, तो उनके भी आने के बाद मिलवाता हूँ। अरे रुक जा तू देख भाई क्या करूँ मैं इसका, भाई तू आ जा, तेरे को मैं बताऊँगा, रुक जा। तो भाई मिलता हूँ थोड़ी देर में, जल्द ही मिलता हूँ आपको, बहुत जल्दी। भाई सोनी को छोड़ के आऊँगा अब नरेला, और निकल चुके हैं जाने के लिए, तो लक्की ले गया स्कूटी। यार मौसम कितने मस्त रहते हैं यार अगस्त के महीने में, अगस्त और सितंबर के महीने में मज़ा आ जाता है देख के ना आसमान में। एंड देखते हैं पैदल जाएंगे, रोहन को बुलाएंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, सो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या करते क्या नहीं। हाँ जी सो भाई फाइनली फ्री हो गया अपने रेला काम करके, और वो रहा सामने रोहन, एंड सामान वामान ले लिया था और एप्पल्स भी ले ली थी, तो अब जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि रात हो चुकी है ज़्यादा, एंड जाके खाना खाऊंगा क्योंकि लग रही है भूख बहुत तेज़ भाई। एंड एक और चीज़ भाई, आज तो सुबह से सिर्फ एक ही टाइम खाया मैंने,
तो अब ज़्यादा भूख लग रही है तो घर जाके खाता हूँ और मिलता हूँ फिर आपको रात को। लोग फाइनली खाना खा लिया है एंड पीछे पीछे आए आ रहा है लक्की, तो हम निकले हैं पब्बी को घुमाने के लिए। सामने है पब्बी अंधेरे में और ये आया बनियान में भाई कच्चा दारी, टी शर्ट इसकी मैं ले आया था। तो अब चलते हैं पब्बी को घुमाने हैं अपना स्टेडियम में एंड वहाँ पे जाके रोहन से मिलाऊँ और काफ़ी सारी बातें भी करेंगे। सो भाई फाइनली आ गए स्टेडियम में और इसके हालत देखो पब्बी, देख रहे हो हालत देख रहे हो मतलब देख कैसे खेल रही है देख रहे हो। और भाई और आज शाम को रोहन भाई स्नोफी को ले गया था और इसने मेरे से पूछे भी नहीं कि भाई चल रहा है घुमाने की नहीं, देख लो भाई। मैं नहीं पूछू भाई जिंदगी में कभी अगली बार से, ठीक है भाई ये ओके देख ले भाई उसको देख लो लाइफ को भाई वो दर दर भटक रहा है मैं हमारी अधूरी कहानी का पूरी अधूरी कहानी करने में स्नोफी स्नोफी आ जा आ जा देखना भाई कैसा सा लगता है, आ जा ले कैसा सा लगता है, बिल्कुल भेड़िया सा लगता है ना। नहीं आज स्नोफी को चार कुत्तों ने पांच कुत्ते नहीं छह सात कुत्ते थे सबने घेर लिया। अच्छा कहाँ पर? और उनकी इसने जब भूखा ना वो सारे भाग गए। अरे तूने उसके लिए थैंक यू बोल दिया? अच्छा, किसको? पब्लिक को। पब्लिक को भाई सबको थैंक यू बोल दिया, शॉर्ट के में जो आ रखे है ना भाई व्यू बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। नहीं भाई हो गया। और वो क्लिप बताऊं जो शॉर्ट थी वो मैंने ना एक वीडियो से मतलब स्प्लिट करके निकाल के और फिर अपलोड कर रखी है। एंड ऐसे ही जो अपनी अर्टिका वाली थी ना जिसके पहले 13 के आए थे वो भी ऐसे ही करी थी मैंने, मतलब जिन अनएक्सपेक्टेड वीडियोज पे अपने व्यूज आ जाते हैं हर बार ऐसा ही होता है, आते ही नहीं है जो अपना मेहनत जो अपना मेहनत से बनाते हैं ना वीडियो उस पे आते ही नहीं है व्यूज कुटाई कर दी कुटाई लड़ाई होगी भाई, आज का थंबनेल यही उश पब्बी उश उश सही है भाई समझा दे भाई चप्पल चप्पल ये कैसा सस्ता है छपरी वाला बदमाश हो रहा है गाने ऐसे समझाने यार क्या फील ले रहा है भाई तू बदमाशी की क्या चाहिए ये दिख रहा है ये सिर्फ ये सिर्फ ये एक ही में लाल और पीला सच्ची में ये हाल हो जाएगा एक ही लाल ऊपर से पीला पूरे शरीर से नहीं यस यस। तो भाई एक और बात बताऊं मनीष से बात हुई थी ना, मनीष कह रहा था भाई अगली बार आ जान दे अपना दो काम कराने, एक मेरे को तो गाड़ी के एक तो उसका क्या है वो अपना सिरेमिक कोटिंग का वो पूरी चमक जाएगी कार, उसकी अपने अलग वीडियो बना लेंगे। अरे घूमने दे खेल रहे मजे में। एंड दूसरी चीज ये कि भाई बोला घर वालों से बात कर ली अब की बार घूमने जाएंगे ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो भाई पक्के ट्रिप है। पहले तो अपना जो भी अपना आएगा सरप्राइज उसमें भी कुछ ना कुछ तो है ही है खास। भाई कब आ रहा है मनीष? मनीष का भाई कुछ नहीं पता, सितंबर में कह रहा भाई जब भी छुट्टी पड़ेगी तो अगला साल आ जाएगा। इसको चुप करा भाई चुप बिल्कुल चुप, पता नहीं कौन सी सदी में जी रहा है ये। अच्छा और भाई साहब क्या हाल चाल है? 19 सितंबर को निकल जाऊंगा मोस्टली। 19 सितंबर आ रखे क्या फ्यूचर प्लानिंग है? हां तो 19 सितंबर को तो भाई हमारा है बर्थडे ऑफिशियली। अच्छा। तो मैं 18 सितंबर को जाऊंगा मौसी के घर बेगमपुर। अच्छा मतलब वो हो जाएगा अंडरग्राउंड हो जाएगा। आ... सुन रहा भाई शिट नो वर्ड्स है उससे पहले ले लेंगे ना बेगमपुर आ जाएंगे। हाँ ये भी बात है बेगमपुर दूर है क्या? ये भी बात है भाई बिल्कुल है बिल्कुल। इसकी देखना कैसी हो रही है। और मेरे को भाई अपने कई सारे रिश्तेदार पे होके आने क्योंकि उनके पास ना कई बार हो चुका कि कब से प्लान बना रखा और उनके पास होके नहीं आ पाए। अरे इसको नहीं पता रिश्तेदार इसको बुलाना नहीं चाहते नहीं अरे चाटे चूटे मारेंगे नहीं ऐसी बात नहीं, अगर भाई रिश्तेदार हो ऐसी बात हो तो भाई अभी कमेंट कर देते मैं आऊंगा ही नहीं गाली भी कमेंट कर देंगे अब की नहीं भाई इतना कुछ नहीं होता भाई देखना हालत इसकी ये देखो ये देखो क्या करो भाई इसको देखना क्या कर रहे हो क्या बताऊं इसका मैं क्या बताऊं इसका देख क्या करके बैठे तू मुंह देखना कैसी हो रही है आजा भाई बढ़िया सिनेमैटिक आ गए इसके अपना क्लिप में से निकाल के ना अपलोड कर दिया उन्होंने ओके नेटफ्लिक्स पे तेरा चेहरा देखना चाह रहा हूँ भाई सुबह के बज गए 9 एंड रात को मैं कब सोया मेरे को पता ही तक नहीं लगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय जय हिंद।